देखो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रेड। ठीक है, क्या नाम है जी? रेड, रेड हाँ जी, RAID, रेड। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसका जो फुल फॉर्म है उसे हम दो नामों से जानते हैं। पहला है जी रिडंडेंट एरे ऑफ इनडिपेंडेंट डिस, और दूसरा है आपका रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस। ठीक है, पहले इसको रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस बोला जाता था, लेकिन आजकल जो है इसको हम रिडंडेंट एरे ऑफ इनडिपेंडेंट डिस बोलते हैं। तो रेड का मतलब समझे, रिडंडेंट का मतलब समझे। यहाँ पर जो रिडंडेंट का मतलब है वो है रिडंडेंसी से। रिडंडेंसी का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज के बैकअप से। किससे होता है जी? बैकअप से। तो यहाँ पर जो रिडंडेंट का मतलब है जी वो है हमारा बैकअप। भाई बैकअप का मतलब क्या है जी? फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी जेब में 100 रुपीज है और जैसा माहौल चल रहा है वो आपके खर्च हो गए। अब अगर आपके पास यहाँ पर बैकअप नहीं है तो आप बिल्कुल खाली हो जाएंगे। और अगर आपके पास बैकअप है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना खर्च चला सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है जी? वो बात हो रही है बैकअप की। कि रिडंडेंट का मतलब यहाँ पर बैकअप है। अब यहाँ पर हम किस चीज के बैकअप की बात कर सकते हैं? जाहिर सी बात है भाई, हम जो है वो अपने डेटा के बैकअप की बात कर सकते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में हमारा क्या हो, डेटा हो। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चले जी भाई, आप सभी लोग जो हैं वो सर्वर पे काम करते हैं। आप सर्वर पे जो है, फॉर एग्जाम्पल, एक जो है आपका 1 TB का जो है वो आपका हार्ड ड्राइव लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 1 TB, 2 TB का आपका कोई हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, और वो हार्ड ड्राइव में आपकी कंपनी का पूरा डेटा सेव है, क्योंकि आपने वो शेयर ड्राइव बनाया हुआ है। अब वो हार्ड डिस्क क्रैश कर जाती है, वो हार्ड डिस्क क्या हो गई जी, क्रैश कर गई, तो आपको आपका बैकअप कहाँ से मिलेगा? आपका डेटा तो लॉस हो गया। तो उन सभी डेटा को बचाने के लिए यहाँ पर जो है वो हम रेड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जी हम अपने डेटा को कैसे सेव कर सकते हैं, उसका बैकअप हम लोग कैसे रख सकते हैं, ताकि अगर कभी हमारी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए तो हमारे डेटा का लॉस ना हो, हमारा डेटा ऐसे का ऐसे ही हमारे पास सेव रहे। क्लियर? क्लियर? हाँ सर, क्लियर। अब देखें यहाँ पर जो रेड है, रेड के जो है ना अपने टाइप होते हैं। तो पहला जो टाइप है रेड का वो है हमारे पास रेड 0, दूसरा जो हमारे पास टाइप है वो है रेड 1, तीसरा जो टाइप है वो है जी हमारे पास रेड 5, और चौथा जो हमारे पास टाइप है वो है हमारे पास स्पेनिंग। वैसे तो रेड के जो है ना और भी टाइप होते हैं, रेड 6 होता है, रेड 10 होता है, लेकिन हमारा जो सर्वर है, सर्वर हमारा सिर्फ अभी जो है वो इन्हीं को सपोर्ट करता है। ठीक है, इन्हीं 4 टाइप के जो रेड हैं इन्हीं को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो हम इन्हीं की अभी बात करते हैं कि ये आपके किस टाइप से होते हैं, तो हम इनकी बात कर लेते हैं। भाई ये किसने बनाया है? तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं कि भाई रेड के लिए हमें सर्वर के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सर्वर है, ऐसा मान लेते हैं जी भाई ये हमारे पास जो है वो एक सर्वर है, हमने ऐसा माना। तो इस सर्वर में क्या है जी भाई, जो हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई है, हमारी कोई एक जो है वो यहाँ पर HDD लगी हुई है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है, और हमारी कोई एक दूसरी HDD है जिसके ऊपर जो है वो हमारा डेटा सेव हो रहा है। तो एक से ज्यादा हार्ड डिस्क हो सकती है सर्वर के अंदर। तो रेड टेक्नोलॉजी को आप इम्प्लीमेंट करने के लिए एक होता है आपका हार्डवेयर रेड। क्या होता है जी हमारा? हार्डवेयर रेड। हार्डवेयर तो हार्डवेयर रेड में क्या होता है जी, जैसे कि हमारा ये एक सर्वर है, इसी टाइप का हम एक हार्डवेयर रैक अलग से मिल जाएगी, और उसके अंदर मल्टीपल जो है वो हार्ड डिस्क लगी होंगी, इसको हम हार्डवेयर रेड बोलते हैं। ये हमारी एक हार्डवेयर रेड होगी, और ये जो है वो हमारे सर्वर से क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। तो हमारा जो भी डेटा है वो इस हार्डवेयर रेड के अंदर सेव होता रहेगा, इसे मल्टीपल हार्ड डिस्क लगी होती है।
ठीक है, तो एक तो तरीका ये होता है रेड को इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन ये बहुत महंगा एक्सपेंसिव होता है, हर कोई इसको परचेज नहीं कर पाता। दूसरा जो तरीका है जी, वो है जी हमारा सॉफ्टवेयर रेड। अब सॉफ्टवेयर रेड में क्या होता है जी, क्या है जी हमारा सॉफ्टवेयर रेड, सॉफ्टवेयर रेड में क्या होता है जी, जैसे कि हमने यहाँ पर सर्वर 2012 या हमने सर्वर 2016 यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये सर्वर हमें अपने अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं जी, आप जो है अपने सर्वर के अंदर मल्टीपल हार्ड डिस्क लगा लीजिएगा और उसी के ऊपर जो है आप अपने रेड को कॉन्फिगर कर सकते हैं, आपको अलग से कोई हार्डवेयर रेड परचेज करने की जरूरत नहीं है, जो आपका अलग से हार्डवेयर रेड काम करता वही काम जो है आपका यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर रेड करेगा। तो यहाँ पर जो है हमें कितनी हार्ड डिस्क की रिक्वायर्ड होंगी वो हर रेड के लिए अलग अलग यहाँ पर डिसाइड किया गया है, किसी में हमें 2 हार्ड डिस्क चाहिए, किसी में हमें 3 हार्ड डिस्क चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ जी रेड जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके जो सर्वर है उस सर्वर पे मान लेते हैं जी भाई आपकी कोई एक हार्ड डिस्क लगी हुई है जिसके अंदर आपकी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल है। मान लीजिएगा यहाँ पर कोई हमारी एक हार्ड डिस्क लगी हुई है और इसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, ओएस हमारा इंस्टॉल है, तो चलो रहने दो जी। अब सर्वर पे जब हम अपना डेटा सेव करेंगे तो हमें और भी हार्ड डिस्क चाहिए, तो हम क्या करते हैं आज अपने सर्वर में यहाँ पर जो है वो हम 4 हार्ड डिस्क जो है वो अलग से लगा लेते हैं, हम 4 हार्ड डिस्क यहाँ पर अपने सर्वर में लगा लेते हैं और देखते हैं जी हम अलग से सर्वर में हार्ड डिस्क कैसे लगाएंगे। तो नॉर्मल है जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में अलग से मदरबोर्ड में आपके पोर्ट होते हैं साटा पोर्ट, आप उसमें जाके अपनी हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हैं, तो इसी तरीके से आज हम अपने सर्वर पे देखेंगे जी वीएमवेयर के अंदर हम एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं वीएमवेयर पे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये DC50 है और इसके अंदर अभी हमारे पास एक ही हार्ड डिस्क है जो कि 25 GB की है जिसके अंदर हमारा सर्वर पड़ा हुआ है। तो अगर हमें यहाँ पर और हार्ड डिस्क ऐड करनी है तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हमारे पास कोई ऐसी ड्राइव होनी चाहिए जिसके अंदर फ्री स्पेस हो, तो हम यहाँ से अपने कंप्यूटर में देख लेते हैं। तो मेरे पास एक एफ ड्राइव है जहाँ पर मेरे पास 46 GB स्पेस फ्री पड़ा हुआ है और मैं यहाँ चल के मैं 4 फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पहला फोल्डर बनाया, मैंने फॉर एग्जाम्पल बना लिया HDD1 के नाम से जी, पहली हार्ड डिस्क का डेटा मैं इसके अंदर रखूंगा, और फिर मैंने यहाँ पर बना लिया HDD2 के नाम से, फिर मैंने यहाँ पे बना लिया HDD3 के नाम से, और फिर मैंने यहाँ पे बना लिया HDD4 के नाम। आप यहाँ पर मल्टीपल हार्ड डिस्क जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब हम अपने वीएमवेयर पे चलते हैं, हमारा DC50 है, हमने इसे ऑन नहीं करना है अभी, हमने इसको एडिट करना है, एडिट वर्चुअल सेटिंग, हम यहाँ पर पहुंचे। अब यहाँ पर हम ऐड के बटन पर जाएंगे और देखो सबसे ऊपर का हमारा ऑप्शन है ऐड हार्ड डिस्क, तो हम यहाँ पर ये हार्ड डिस्क का जो है वो नीचे करके नेक्स्ट करेंगे सेलेक्ट करके, और देखो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कौन सी हार्ड डिस्क आपने लेनी है, तो हमने साटा लेनी है, हमने नेक्स्ट किया और क्रिएट ए न्यू, ठीक है वर्चुअल डिस्क हमने नेक्स्ट किया। अब यहाँ से साइज पूछ रहा है तो मैं फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर 5 GB ले लेता हूँ, मैंने नेक्स्ट किया। कहाँ सेव करनी है, अभी हमने फोल्डर बनाए हैं एफ ड्राइव के अंदर, तो हम HDD1 फोल्डर ले लेते हैं और यहाँ पे कोई भी एक नाम डाल दो, जैसे मैंने नाम डाल दिया D1 और ओपन फिनिश। तो देखें यहाँ पर हमारी एक हार्ड डिस्क आ गई है जो कि हमारी साटा 5 GB की यहाँ पर आ गई है। इसी तरीके से हम दोबारा फिर से ऐड करते हैं और हार्ड डिस्क सेलेक्ट रहने देते हैं, नेक्स्ट करते हैं साटा नेक्स्ट, और यहाँ हम फिर से एक 5 GB का हार्ड ड्राइव ले लेते हैं, और आपके हमने जो फोल्डर है वो बनाया था HDD2, यहाँ पर कोई भी फाइल का नाम डालें ओपन फिनिश। देखें जी 2 आ गई हैं, तो हमने यहाँ पर 4 लेनी है, आप 4 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है, और हमने यहाँ पर 5, यहाँ से हमने इसको फिर से अपना फोल्डर हमने सेलेक्ट किया 3 वाला एक और हमारी रह गई है, उसे भी हम यहाँ से जो है वो ऐड करा लेते हैं, क्रिएट साइज हमने लिया 5 GB, और D4 फिनिश।
देखें ये चारों हार्डिस हमारी यहाँ पर आ गई हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ओके करना है। तो हम इसे यहाँ से ओके करेंगे। देखें यहाँ पर हमारे पास चार हार्डिस एक्स्ट्रा आ गई हैं, ये हमारी जिसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है। अब हमने क्या करना है, इस सर्वर को हम ऑन कर लेते हैं यहाँ से। तो चले ऑन कर लेते हैं इसको। तो इसी तरीके से जो है आप अपने कंप्यूटर में या अपने सर्वर में जो है हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। और हमेशा याद रखें, सर्वर में जिस हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसमें आपको अपना डेटा कभी भी सेव नहीं कराना है। वो हार्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वाली जो है वो अलग से ही होनी चाहिए आपकी। और उसके बाद आपको अपने सर्वर पर रेड को इम्प्लीमेंट करना है और फिर उसको शेयर करके लोगों को देना है ताकि वो उसके अंदर अपना डेटा रख सकें। तो यहाँ से हम सर्वर में चले जाते हैं अपने। और देखें यहाँ से हमारे जो सर्वर मैनेजर है वो ओपन हो रहा है। थोड़ा इसे ओपन होने देते हैं, ठीक है, इसे मिनिमाइज कर देते हैं। तो रेड के लिए जो है ना, हमें यहाँ पर कोई सर्विस वगैरह कुछ इंस्टॉल नहीं करनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वही कल वाला सर्वर है जिसके अंदर हमने IIS और जो है वो DNS जो है वो इंस्टॉल किया था। तो इसके अंदर कोई और हमने ऐसी कोई सर्विस इंस्टॉल नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो है हमें जो जाना है वो जाना है जहाँ पर हम पार्टीशन बनाते हैं। तो पार्टीशन बनाने के लिए हमें माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके मैनेज पे जाना होता है, मतलब डिस्क मैनेजमेंट पे जाना होता है। तो उसके लिए आप यहाँ पर जो स्टार्ट का बटन है इस पर नीचे माउस लाएं और यहाँ पर आप राइट क्लिक करें तो देखो ये आपका खुल के आएगा ऑप्शन। तो यहाँ से हमने जाना है आपका ये डिस्क मैनेजमेंट पे। आप यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पे पहुंचने के बाद देखो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जी, अपने आप से जो है ना इसके पास ये मैसेज आ गया है। तो ये डिफॉल्ट मैसेज आपके पास आता है जब आप कोई नई हार्ड डिस्क अटैच करते हैं, चाहे आप अपने कंप्यूटर में अटैच करें। तो इसने आपको दिखाया है जी यहाँ पर आपका डिस्क 1 है, 2 है, 3 और 4 है जो कि आपने अटैच की है, MBR सेलेक्ट है, डिफॉल्ट है, और आप इसे यहाँ से ओके कर दें तो वो यहाँ पर आके ऐड हो जाएंगे। हमने ओके किया और देखें जैसे हमने यहाँ पर ओके किया तो हमारे पास जो है यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी डिस्क 0 है ये हमारी पहली वाली है 25 GB की जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, इसे हमें नहीं टच करना है। दूसरी यहाँ पर आप देखें जी हमारे पास आपका डिस्क 1 आ गई है, 2 आ गई है, 3 आ गई है और यहाँ पर जो है ये 4 आ गई है, ठीक है, जो कि 5-5 GB की यहाँ पर अवेलेबल है। ये बिल्कुल अभी ब्लैंक है, इनमें अनलोकेटेड है, इनमें कोई भी डेटा किसी भी टाइप का सेव नहीं है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ जी सर? जी सर, ओके। अब यहाँ पर जो है सबसे पहला जो हमारा रेड है वो है हमारा जी रेड 0। तो रेड 0 को समझ लेते हैं जी, रेड 0 जी क्या होता है और इसका जो यूज है वो क्या है। तो रेड 0 को दूसरी भाषा में हम स्ट्रिपिंग भी बोलते हैं और इसको हम स्ट्रिप्ड वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो हमें इसे रेड 0 भी बोला जा सकता है, स्ट्रिपिंग भी बोला जा सकता है और स्ट्रिप्ड वॉल्यूम भी बोला जा सकता है। तो रेड 0 अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है, रेड 0 अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए आपको जो है वो देखना पड़ेगा जी भाई आपको कितनी हार्ड डिस्क चाहिए और आप उनमें किस टाइप से जो आपका डेटा है वो किस टाइप से उनके अंदर स्टोर होगा, क्या हमें बैकअप मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप मतलब कि रेड 0 के लिए मिनिमम आपको 2 हार्ड डिस्क चाहिए। कितनी हार्ड डिस्क चाहिए जी हमें? मिनिमम 2 हार्ड डिस्क चाहिए और मैक्सिमम जो है वो हम 32 हार्ड डिस्क जो है वो इसके अंदर ऐड करा सकते हैं। तो मिनिमम हमें 2 हार्ड डिस्क चाहिए और मैक्सिमम हमें कितनी चाहिए जी? 32 हार्ड डिस्क। इतनी हार्ड डिस्क आप इसके अंदर ऐड करा सकते हैं। तो स्ट्रिपिंग वॉल्यूम में एक्चुअल में होता क्या है, मींस रेड 0 में होता क्या है जी? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर 2 हार्ड डिस्क हैं, हमारे पास यहाँ पर एक 5 GB का जो हार्ड डिस्क है वो ये है, हमारे पास यहाँ पर एक 5 GB का हार्ड डिस्क ये है और एक हमारे पास जो है वो 5 GB का हार्ड डिस्क यहाँ पर ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2 हार्ड डिस्क है। तो यहाँ पर जो है वो इन दोनों हार्ड डिस्क में होगा क्या जी? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इसके अंदर डेटा डाला,
तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा मान लेते हैं जी भाई आपके पास जो है ना वो पांच फाइल है, फाइल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो रेड 0 के अंदर क्या होगा जी, जब आप पहली फाइल डालेंगे तो वो हार्ड डिस्क के अंदर जाएगी, दूसरी फाइल सेव करेंगे तो वो यहाँ पर जाएगी, तीसरी फाइल डालेंगे तो वो यहाँ पर जाएगी, चौथी फाइल डालेंगे तो वो यहाँ पर जाएगी, पांचवी फाइल डालेंगे तो यहाँ जाएगी, और छठी फाइल डालेंगे तो यहाँ जाएगी। तो रेड 0 में क्या होता है जी, आपको किसी भी टाइप का कोई भी जो बैकअप है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो रेड 0 में आपको जो रिडंडेंसी है वो किसी भी टाइप की प्रोवाइड नहीं होती है, तो रेड 0 जो है वो यूज नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर पहली फाइल यहाँ सेव हो रही है, दूसरी फाइल यहाँ सेव हो रही है, अगर ये हार्ड डिस्क आपकी क्रैश हो जाती है तो आपको हार्ड डिस्क से इसका बैकअप है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो ये क्लियर हुआ कि रेड 0 में हमें किसी भी टाइप का जो है वो बैकअप प्रोवाइड नहीं होता है। तो फिर भी हम लोग यहाँ पर रेड 0 को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि रेड 0 जो है वो सर्वर पे हमें किस टाइप से इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि मिनिमम हमें इसके लिए 2 हार्ड डिस्क चाहिए। तो चलो चलते हैं यहाँ पर अपने सर्वर के ऊपर। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सी बार एरर देखा होगा कि हमारी जो हार्ड डिस्क है वो डायनेमिक में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो यहाँ पर आप देखें जी, हमारी जो हार्ड डिस्क है ये बेसिक, अभी बेसिक के अंदर है। तो जब ये बेसिक के अंदर होती है ना, तो ये प्राइमरी पार्टीशन, एक्सटेंडेड पार्टीशन, लॉजिकल पार्टीशन को समझती हैं। लेकिन अगर हमें इनके ऊपर रेड को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें इन्हें डायनेमिक में कन्वर्ट करना होगा। डायनेमिक में कन्वर्ट करने के बाद ही ये रेड को सपोर्ट करेंगी, वरना तो ये रेड को सपोर्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो जैसे ही मैं इन हार्ड डिस्क के ऊपर रेड को इम्प्लीमेंट करूंगा तो ये अपने आप से बेसिक से जो है वो डायनेमिक में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो हमें इस 0 को नहीं छेड़ना है क्योंकि इसके अंदर तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, हमें डेटा तो यहाँ रखना है। तो अगर मैं भी आपको अपने कंप्यूटर में जाके दिखाऊं यहाँ पर जिस पीसी में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक सी ड्राइव ही अवेलेबल है, कोई दूसरी ड्राइव हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो देखो, अब हम यहाँ पर जो है वो आपका रेड 0, मतलब कि हम यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो स्ट्रिप्ड वॉल्यूम जो है वो लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि मैं डिस्क 1 पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, न्यू सिंपल वॉल्यूम, स्पेंड वॉल्यूम, स्ट्रिप वॉल्यूम, मिरर्ड वॉल्यूम और रेड 5 वॉल्यूम। तो सिंपल वॉल्यूम का मतलब ये होता है जी, अगर आपने सिंपल वॉल्यूम बनाया तो आप बना सकते हैं सिंपल वॉल्यूम, आपने नेक्स्ट किया, आपने नेक्स्ट किया, आपने जो है इसको ये नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, और यहाँ से आपने इसको एक सिंपल वॉल्यूम बना दिया। तो सिंपल वॉल्यूम कहने का मतलब ये है कि सर्वर के अंदर जो आपका प्राइमरी पार्टीशन बनता है ना, वो आपका सिंपल वॉल्यूम होता है, इसका रेड से कोई लेना देना नहीं है। तो सिंपल वॉल्यूम इसलिए हमने जो है वो अपनी लिस्ट में यहाँ पर जो है वो हमने उसको ऐड नहीं किया है। तो देखें आप, यहाँ पर हमने सिंपल वॉल्यूम को ऐड नहीं किया है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है जी, स्ट्रिप्ड वॉल्यूम है। तो स्ट्रिप्ड वॉल्यूम आप देखें, यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया तो देखो हमें ये ऑप्शन मिल रहा है। तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमने नेक्स्ट किया। अब देखो यहाँ पर वो एक हार्ड डिस्क तो उसने ले ली है, अब वो दिखा रहा है जी भाई साहब आपके पास 3 हार्ड डिस्क और हैं। तो हमने पहली हार्ड डिस्क को सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया, ठीक है। देखें जी यहाँ पर ऐड हो गई। तो मिनिमम हमें 2 हार्ड डिस्क चाहिए थी, हम तीसरी हार्ड डिस्क को भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं और चौथी हार्ड डिस्क को भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो ये चारों हार्ड डिस्क में जो है वो यूज कर लेगा। आप चाह रहे हैं नहीं जी मेरे को तो 2 ही हार्ड डिस्क चाहिए, तो आप उन हार्ड डिस्क को जिन्हें हटाना चाहते हैं सेलेक्ट करके रिमूव कर दें। अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 2 ही हार्ड डिस्क बची, हमारे पास डिस्क 1 है और डिस्क 2 है, ठीक है। और हमने इसे यहाँ से क्या किया जी, नेक्स्ट किया, और हमने इसको एक बार और नेक्स्ट किया, हमने यहाँ से किया जी क्विक फॉर्मेट हो जाए, और हमने नेक्स्ट किया और हमने फिनिश किया। अब देखो आपको यहाँ पर कह रहा है कि द ऑपरेशन यू सेलेक्टेड विल कन्वर्ट द सेलेक्टेड बेसिक डिस्क टू डायनेमिक डिस्क। कि वो कह रहा है जी भैया आपको जो है वो ये बेसिक डिस्क को डायनेमिक डिस्क में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, हमने कहा जी यस, तो हमने यस किया।
तो देखें यहाँ से हमने वन और टू को हमने सेलेक्ट किया था और उसने यहाँ पर देखो इनको डायनेमिक इमेज जो है वो कन्वर्ट कर दिया, जबकि हमारी जो जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वो बेसिक में है उसे कुछ नहीं हुआ है, और जो हमने सेलेक्ट नहीं की थी थ्री और फोर ये भी जो है हमारी किसके अंदर है जी, बेसिक के अंदर है। तो देखें यहाँ पर, यहाँ पर जो है जी आपको एक हमारा जो ये क्रिएट हुआ है वो हमारा देखो नीचे कलर भी दिखा रहा है जी, ये जो कलर है वो आपका स्ट्रिप्ट वॉल्यूम है ठीक है, और 5 GB इस हार्ड डिस्क का साइज था और 5 GB इस हार्ड डिस्क का साइज था। तो ऊपर आपको दिखा रहा है जी आपका एक ई ड्राइव जो है वो आपका 10 GB का जो है वो आपको एक प्रोवाइड हो गया है। तो यहाँ पर आप माई कंप्यूटर में जाके देखेंगे तो ई ड्राइव हमें 10 GB का यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। तो जैसे कि हमने आपको बताया जी इसके अंदर आपको किसी भी टाइप का कोई भी जो बैकअप है वो नहीं मिलेगा, अगर आप इसके अंदर कोई डेटा डालते हैं तो एक फाइल यहाँ जाएगी, एक फाइल यहाँ जाएगी, एक फाइल यहाँ जाएगी, एक फाइल यहाँ जाएगी। या ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई इसके अंदर एक फाइल डाली तो उस फाइल का एक लेटर यहाँ सेव हो, दूसरा लेटर यहाँ सेव हो, तीसरा लेटर यहाँ सेव हो, चौथा लेटर यहाँ सेव हो, इस टाइप से भी इसके अंदर जो है वो आपका डेटा सेव हो सकता है। लेकिन रेड जीरो के अंदर हमें किसी भी टाइप का कोई भी बैकअप अवेलेबल नहीं होता, तो रेड जीरो हम लोग यूज नहीं करते। अगर आप इसका जो देखो आप इसमें एक चीज ध्यान रखना, तो आपने जितनी भी हार्ड डिस्क यहाँ पे यूज की हैं उन हार्ड डिस्क का जो टोटल स्पेस है उतने ही स्पेस की आपकी ड्राइव यहाँ पर आपको दिखाई देगी। हमने 5 GB का ये था ड्राइव, 5 GB का ये था, तो टोटल 10 GB जो है वो आपको यूज करने के लिए यहाँ पर स्पेस अवेलेबल हो गया है। अब आपको इसे डिलीट करना है तो आप इसको राइट क्लिक करें और यहाँ से देखें आप डिलीट वॉल्यूम करें, आपने यस किया तो देखें यहाँ से जो है फिर से डायनामिक से जो है आपको वो बेसिक में कन्वर्ट हो गई है और यहाँ से आपकी जो डिस्क है वो क्या हो गई है जी, यहाँ से जो आपने स्ट्रिप वॉल्यूम बनाया था वो डिलीट हो चुका है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया? हाँ जी सर। अब चलो चलते हैं रेड वन की तरफ जी, रेड वन हमारा क्या है और ये किस टाइप से यूज होता है, तो मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। देखें जी रेड वन जो है इसको हम बोलते हैं मिररिंग और मिरर्ड वॉल्यूम। मिरर का मतलब आप समझते ही हैं जी भाई, एक ऐसी चीज जिस अगर जैसे हमने अपना फेस देख रहे हैं मिरर के अंदर तो हमें हमारा फेस जो है वो दिखाई दे रहा है, तो मिरर के अंदर जो है आपको रिडंडेंसी जो है वो प्रोवाइड होती है। रेड वन के अंदर आपको बैकअप जो है वो मिलता है और ये एक बहुत अच्छा रेड का टाइप माना जाता है। इसमें आपको दो हार्ड डिस्क ही चाहिए, कितनी हार्ड डिस्क चाहिए आपको? दो हार्ड डिस्क इसके अंदर आपको चाहिए ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर हमारा एक 5 GB का हमारा हार्ड डिस्क है और एक हार्ड डिस्क और यहाँ पर जो है वो हमारे पास हमारा 5 GB का है ठीक। तो इसमें क्या होगा कि ये जो हार्ड डिस्क है, जो मान लीजिएगा ये मेरा हार्ड डिस्क 1 है और ये मेरा हार्ड डिस्क 2 है, तो यहाँ पर जो है जो हार्ड डिस्क 1 है उसका एक क्लोन तैयार हो जाएगा हार्ड डिस्क 2 के अंदर। अगर आपने हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क 1 में कोई एक ए नाम की फाइल रखी तो वो फाइल जो है पूरी की पूरी कॉपी हो जाएगी हार्ड डिस्क बी के अंदर, और आपने अगर कोई हार्ड डिस्क 1 के अंदर एक बी नाम की फाइल रखी तो वो पूरी की पूरी फाइल कॉपी हो जाएगी हार्ड डिस्क 2 के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों हार्ड डिस्क का अगर स्पेस देखा जाए तो वो कुल मिला के होता है 10 GB, हाँ क्योंकि 5 GB इसका है 5 GB इसका है, लेकिन आपको यूज करने के लिए सिर्फ 5 GB ही स्पेस मिलेगा। वो क्या करेगा कि जितना आप स्पेस यूज करेंगे उतना ही स्पेस उसे बैकअप रखने के लिए चाहिए, मतलब कि मिरर बनाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपकी ये हार्ड डिस्क फेल हो जाती है तो जो दूसरी हार्ड डिस्क है वहां से आप अपने डेटा को जो है वो रिकवर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा रेड का टाइप है रेड वन। चलो इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हम अपने सर्वर पे चलते हैं और यहाँ पर हमारे पास ये है, अभी आपको मैं माई कंप्यूटर में जाके दिखाऊँ, सी ड्राइव के अलावा कोई दूसरी ड्राइव अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पर डिस्क वन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखो मिरर का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। अब आप यहाँ से देखें यहाँ पर जो है हमने इसको ऐड किया,
और ध्यान ये रहे चाहिए दोनों यहाँ पर जो स्पेस है हार्ड डिस्क का वो बराबर बराबर होना चाहिए। अब देखो मैं तीसरी हार्ड डिस्क को सेलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा है जैसे कि पुराने वाले में आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर आप दो से ज्यादा हार्ड डिस्क जो है वो यूज कर ही नहीं सकते। तो हमने यहाँ से इसको नेक्स्ट किया और एक बार वो नेक्स्ट किया और देखो हमने यहाँ से इसको नेक्स्ट किया और हमने इसको फिनिश किया। मैसेज दे रहा है कन्वर्ट करना है जी यार, समय पता है। और आप यहां से देखेंगे, देखें आप यहां से जो है आपका जो है वो मिरर कन्वर्ट मतलब कि पूरा तैयार हो गया है, रेड कलर का आपका इसका साइन आया है। नीचे आप देख सकते हैं मिरर वॉल्यूम और आप देखें 5 GB का मेरे पास ये एक हार्ड ड्राइव है, 5 GB का ये हार्ड ड्राइव है, तो टोटल 10 GB मेरे को यूज करने के लिए मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो ई ड्राइव आप देख सकते हैं जी, ई ड्राइव जो है वो मेरे को ओनली 5 GB का ही अवेलेबल हुआ है। आप माई कंप्यूटर में जाके भी देख सकते हैं जिससे मेरे पास 5 GB ही यूजेबल स्पेस है। क्यों? क्योंकि जो मैं 5 GB इसका यहाँ पर यूज करूंगा उसका ये मिरर बना के जो है वो ई के अंदर रखेगा, बैकअप ई के अंदर रखेगा। तो एक बार चलो इसे देख लेते हैं यूज करके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जी, ई के अंदर जो है कोई एक फाइल बना देते हैं। हमने यहाँ पर ई के अंदर एक जो है वो टेस्ट 1 से एक फाइल बना दी और हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं हेलो हेलो, ठीक है, और हम इसे सेव कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पर इसको ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो हमने ई को राइट क्लिक किया और देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ब्रेक मिरर वॉल्यूम, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने यस किया। तो यहाँ से देखें आप हमारा जो मिरर वॉल्यूम है वो हट गया है और ये हमारे पार्टीशन जो है आप नीचे देखेंगे सिंपल वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गए हैं। तो आप जाके देखें जी यहाँ पर अब हमारे पास दो पार्टीशन आ गए हैं, एक ई तो था ही हमारे पास और एक F4 आ गया है जो कि 5 GB के दोनों यहाँ यहाँ भी देखें अलग अलग हो गए हैं। तो मैं यहाँ से जाके आपको दिखाता हूँ माई कंप्यूटर में कि देखें भाई यहाँ पर दोनों पार्टीशन अलग अलग हो गए हैं। तो मैं ई के अंदर देखता हूँ, देखो जी मेरा डेटा यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है और आप यहाँ पर एफ के अंदर देखें, ठीक है, यहाँ भी हमारा डेटा ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो जब हमारे दोनों पार्टीशन ही अलग अलग हुए तो दोनों के अंदर क्योंकि हमने एक के अंदर डेटा सेव किया था तो उसका मिरर दूसरे के अंदर भी बन गया था। तो आप देखें दोनों के अंदर जो है एक ही फाइल जो है वो सेम नाम से सेम उसके अंदर डेटा जो है वो आप देखें यहाँ पर अवेलेबल है। तो इनमें से जो है कोई सी भी हार्ड डिस्क अगर आप निकाल लेते हैं तो फिर भी आपका एक हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो डेटा सेव रहेगा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस हार्ड डिस्क को यहाँ से जो है वो डिलीट वॉल्यूम कर देता हूँ। तो देखें मैंने डिस्क 1 को डिलीट वॉल्यूम कर दिया, अब ई मेरे पास अवेलेबल है तो मैं ई के अंदर ही जाके देख लेता हूँ कि मेरा डेटा जो है वो सेव है ही है। अब अगर मेरी एक हार्ड डिस्क मान लीजिएगा ये खराब हो चुकी है तो मेरा इस टाइप से ये जो है रेड जो है वो सिंपल वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर से मेरे को क्या करना है जी, इसको रेड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आप जो है इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें इसमें आप यहाँ से जो है ना इसको राइट क्लिक करें और देखो एड मिरर का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आप एड मिरर में जाएं और यहाँ से आपसे पूछ रहा है जी आप कौन से हार्ड डिस्क को इसके साथ अटैच करना चाहते हैं। तो पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है वो डिस्क 1 को सेलेक्ट किया था, अब की बार मैं डिस्क 3 को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से एड मिरर कर देता हूँ और यस कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से डायनेमिक में कन्वर्ट हो गई है डिस्क 3 और आप देखेंगे, देखो जी अब यहाँ पर आप देखो ये प्रोसेस चल रही है आपका जो है वो आपका डेटा रिसाइकल हो रहा है और देखें यहाँ पर आपका ये हेल्दी भी हो गया। तो रिसाइकल का मतलब क्या है जी, ई के अंदर जो डेटा पड़ा था डिस्क 2 के अंदर उसने उस डेटा को ई के डिस्क 3 के अंदर क्या करा दिया, यहाँ पर कॉपी करा दिया। और आप माई कंप्यूटर के अंदर जाके देखेंगे कि आपका ई ड्राइव ही है और ये आपका यहाँ पर इस तरीके से डेटा सेव है। तो जो मिरर वॉल्यूम है ये एक बहुत अच्छा वॉल्यूम है, रेड जो आपका ये रेड 1 है इसके अंदर जो है वो आपको आपके डेटा का जो बैकअप है वो आपको मिलता ही मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा इसका टाइप है जो कि काफी जगह जो है आपका रेड 1 का यूज किया जाता है। बस इसका डिसएडवांटेज यही है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने कंप्यूटर में कोई एक 1 TB का स्पेस चाहिए तो आपको उसके लिए 1 1 TB की दो हार्ड डिस्क परचेज करनी पड़ेगी, एक में आप अपना डेटा रखेंगे और एक में जो है रेड 1 उसका जो है वो बैकअप बना के चलेगा। तो यहाँ से अगर हमें इसे डिलीट करना है तो हम राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट वॉल्यूम कर देंगे तो यहाँ पर जो है हमारे वॉल्यूम यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे।
तो यहाँ पर जो है अभी जो हमने सीखा वो हमने रेड वन, रेड जीरो और रेड वन सीखा। हाँ जी सर, अगर जैसे ये फॉर्मेट होती है बाई केस, मतलब कोई एक भी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है तो एक हार्ड डिस्क में तो बचेगा ना। हाँ बिल्कुल, वो अभी तो दिखाया मैंने आपको, आप कहाँ थे। हाँ वो तो अभी देखा, जैसे कि हो जाती है क्रैश वगैरह हो जाती है किसी फॉर्मेट हो जाती है, तो आपकी कोई भी एक हार्ड डिस्क क्रैश हो तो दूसरी में आपका डेटा सेव रहेगा बिल्कुल। ओके ओके, यही ठीक है सर।